हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की स्पेशल सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। ये मैंने कुछ चने लिए हैं जो रात भर के लिए मैंने भिगो के रख दिए थे पानी में, और पानी में मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिए थे। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके बाद मैंने उसमें जो रात भर के लिए चने भिगो के रखे थे वो छान कर मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। जितना मैंने चने लिया था उससे दुगना मैंने पानी यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद मैंने इसे गैस पे डाल दूँगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल के कुछ देर गरम करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें एक लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, साथ में ही मैंने एक तेज़पत्ता भी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पचफोरन का यूज़ किया है, आप चाहे तो सिर्फ जीरा का भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पचफोरन डालने पर इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची लिया है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। उसके बाद मैंने प्याज भी साथ में ही डाल दिया है, और इसे चलाएंगे। पचफोरन में मैंने जीरा, अजवाइन, सरसों, सौंफ, मेथी, यही सब लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद का डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज गोल्डन होने तक चलाऊंगी। मैंने कुछ प्याज आधे छोड़ दिया था क्योंकि मैंने उसे ऐसे ही पीसना था। आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने बिना फ्राई किए हुए प्याज पीसे हैं। इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूजेंगे। ये देखिए, इसके कलर चेंज होने लगी है। इसे हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छी तरह प्याज फ्राई किया है। उसके बाद मैंने जो प्याज बचा के रखे हुए थे उसे मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज फ्राई हो चुकी है, उसमें मैंने ये डाल कर और इसे फिर से फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा और पीस लिया है। मैंने उसी में अदरक और लहसुन भी साथ में ही प्याज के साथ पीस लिया था। अब ये सारे को मैंने मिक्स करके चला रही हूँ। ये देखिए, ये भून गई है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च लिया है। काश्मीरी मिर्च तीखा नहीं होती है, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाली। आप चाहे तो इसके जगह पे लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है, और उससे पहले मैंने धनिया रखा था 1.5 चम्मच और 1/2 चम्मच काली मिर्च। ये मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है 1/2 चम्मच, क्योंकि मैंने यहाँ पे काश्मीरी मिर्च का यूज़ किया था। ये मैंने मिक्स मसाला डाला है, और ये मैंने मीट मसाला लिया है जो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। मसाला जले नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल दिया है। आप मसाला डालते समय पानी ज़रूर रखें, नहीं तो मसाले को पहले ही पानी में भिगो के रख दें, जिससे मसाले फूल जाती है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने मीट मसाला थोड़ा सा और रखा था। उसके बाद मैंने किचन किंग रख दिया है। आप चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। किचन किंग रखने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरह से मिलाया है, और नमक अपने स्वाद अनुसार रखें। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाली है। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी, और मेरी थोड़े से नीचे चिपकने लगी थी, आप लोग ध्यान दें इसे नीचे चिपके ना दें, हमेशा चलाते हुए रहें। उसके बाद मैंने टमाटर, 1 टमाटर ले लिया है, उसे मैं कट कर के डाल दूँगी। आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीस लिया है 1 टमाटर को,
एक टमाटर को मैंने काट के बारीक काट लिया है और मसाले में डाल दूंगी। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। जब तक कि अच्छे तरह से पके नहीं, इसे बीच बीच में अच्छे तरह से चलाते भी रहें। ये मैंने पेस्ट जो पीस के लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। पेस्ट डालने के बाद ये चिपकने लगती है, इसलिए ध्यान दें, इसे हमेशा चलाते हुए ही रहें। ये देखिए मसाले की कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है। आप इस तरह से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो ग्लैंडर में जो चिपकी हुई थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ चिकन मसाला लिया है। चिकन मसाला मैंने आधा पैकेट ही लिया है और उसे अच्छी तरह चलाऊंगी। सब्जी का मसाले देख ही सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी देखने में है, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी खाने में भी थी। अब ये मसाला रेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि मसाला जितनी ज़्यादा पकती है उतना ही टेस्टी बनती है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, जैसे देखने में अच्छी है वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी थी। आप लोग इस तरह से ज़रूर बना के देखें। ये छठ पूजा की रेसिपी है, आप छठ पूजा के बाद चने की सब्जी बनती है ना, उसमें आप ये ट्राई कर सकती हैं। और मेरा ये मैंने गरम मसाला लिया है, जो मैंने डाल दिया है गरम मसाला भी, उसके बाद चलाएंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने चने लिए हैं, ये देखिए कितनी तरह से कुक हुई है, बहुत अच्छे से गल चुकी है। मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, उसके बाद मैं इसे अच्छे तरह से चलाऊंगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी। ये देखिए ये अच्छे तरह से मिक्स हो चुकी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और नहीं तो पानी भी डाल सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने, मुझे तो ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैंने इसे सूखा ही थोड़ा सा प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से नमक डाल के पहले ही मिला ही लिया था और उसके बाद मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से रखें, पानी ज़्यादा या कम ना डालें, क्योंकि इसमें पानी सूखती नहीं है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ही डाला है। उसके बाद इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे। ये देखिए सब्जी अच्छे तरह से मिल चुकी है और ये उबाल आने लगी है। उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी लिया है, उसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाला है, इससे स्वाद बहुत ही अच्छी आती है। मुझे पानी थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसे कवर कर दिया है। ये देखिए ये बुलबुली आना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। अब बंद कर देंगे और ये मैं सर्व कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।